इतना शोर वैसे, मतलब ऐसी बीवी को अच्छा लगता है कॉम्प्लीमेंट सुनना। आपने ऐसी हालत कर दी है ना मर्दों वाली, हंसी ये वो बोल बोल के, कि अभी आप कॉम्प्लीमेंट देते हो तो मुझे कुछ अजीब लगता है। नहीं अच्छा लगे ये आज बहुत दिन बाद है ना। चला सलाम, कैसी हो? अरे वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी। रोहन सो रहा है अभी? हाँ, इसलिए मैंने सोचा मैं 5 मिनट नीचे होके आती हूँ, रंजन को बोल के आई हूँ, देखना अगर रोएगा तो मुझे फोन करे। अगर नहीं पसंद होगा तो हम दूसरा बदल ले आएंगे। क्या, किसके लिए? मेरे लिए, दीपिका के लिए लाए ना सूट हम, तो हमने कहा दिल के दोस्त बोल के आए हैं। अच्छा है ना? नहीं दिल के, हमने कहा कि अगर कॉटन चाहिए या दूसरा बदल के चाहिए। नहीं अम्मी, ये नहीं, ये चुभेगा नहीं। हाँ मुलायम है, ये चुभेगा नहीं, ये अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है लास्ट रोजा, यहाँ पे चल रहा है अभी 30वां रोजा और चांद रात है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है शोएब का ईद का ब्लॉग लाइव आ चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग शोएब का ब्लॉग देख भी चुके हैं अब तक, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दीपिका शोएब से थोड़ा नोकझोंक कर रहे हैं ईद के दिन, क्योंकि शोएब आजकल दीपिका को ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं उसके लुक के ऊपर। आप सबको पता है रोहन होने के बाद दीपिका का वेट गेन हुआ है बहुत ज़्यादा, और अभी इंशाल्लाह दीपिका वेट लूज़ करेगा अपने आप से। तो आप लोग दुआ करो इब्राहिम फैमिली के लिए और देखते रहो उनका ब्लॉग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखो आगे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ देखने के लिए।